हमारे साथ में हैं संतोष गंगवार जी, जो कि अटल सरकार में पेट्रोलियम गैस मंत्री रहे और इस समय मोदी सरकार में रोजगार और श्रम कैबिनेट मिनिस्टर है। बात करते हैं संतोष जी से। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम जानना चाहते हैं, जैसे कि आपके बीजेपी पार्टी अभी कई राज्यों में बहुत तेजी से बढ़ रही है और लगभग 75% इंडिया में जीत हासिल कर चुकी है, तो इसका श्रेय आप किसको देते हैं? धन्यवाद आपका, आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं के लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वास्तव में 2014 में देश में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ था, तो हम लोग ये कहते थे, हमारे नेतृत्व ये कहता था कि ये खाली कुर्सी का परिवर्तन नहीं है, ये व्यवस्था का और काम का परिवर्तन है। और उसको लोगों ने विश्वास किया और पूरे देश के अंदर लोग भारतीय जनता पार्टी और श्री मोदी जी पर भरोसा व्यक्त कर रहे हैं और परिवर्तन में भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में जो चुनाव के परिणाम आप देख रहे हैं, मैं त्रिपुरा बीच में 2-3 बार गया था, 25 साल से जो सरकार थी, लोग उनके काम को आंक रहे थे, उन्हें लग रहा है कि देश चलाने की रफ्तार में पूर्वोत्तर राज्य उस हिसाब से बराबरी के साथ नहीं चल पा रहे हैं, खास तौर से त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में एक तरफा निर्णय लिया लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला लिया, और वास्तव में देशवासी इस सब के लिए बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं कि समय पर उचित फैसला देशवासी लेते हैं, उसके परिणाम धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं। अच्छा, जैसे कि संतोष जी, अगर हम बात करते हैं जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो तो एकदम खत्म की कगार पे हैं, तो क्या आने वाले समय में ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगी? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं। अभी कुछ क्षेत्रीय दल ऐसे हैं कि जो अपना वजूद मजबूती के साथ बनाए हुए हैं, हम इस पर अभी कोई एकदम टिप्पणी नहीं कर सकते, पर देश का मतदाता ये मानता है कि पूरे देश को एकजुट इकट्ठा रखने की में राष्ट्रीय दल की ही ज़रूरत है और सब भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं, चाहे पूर्वोत्तर राज्य हो, चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, चाहे अन्य सीमावर्ती क्षेत्र हो। एक सही सोच के साथ अगर राजनीतिक दल काम करेगा, उसका एक उपयुक्त परिणाम सामने आएगा। जैसे कि आप रोजगार और श्रम मंत्री हैं, तो अगर हम बाल श्रम की बात करें जाए तो बरेली मंडल में बाल श्रम बहुत ज़्यादा हो रहे, तो अब तक कितनी कार्रवाइयाँ करी जा रही है? मुझे लगता है कि आपने इसमें पूरी जानकारी नहीं ली है। हमने इस सरकार में आने के बाद एक बाल श्रम के लिए पोर्टल जारी किया है जो पेंसिल पोर्टल के नाम से है, जो बाल श्रम से संबंधित है, और माननीय गृह मंत्री जी ने इसको जारी किया था, और इसको एक बहुत ही सक्रियता के साथ हम आगे ले जा रहे हैं। और अब नए कानून के तहत 14 वर्ष का बच्चा चाहे परिवार का हो चाहे बाहर का हो, कोई काम नहीं कर सकता, और 14 से 18 वर्ष की आयु के नौजवान केवल एक सीमित कार्य कर सकते हैं, हजारडस कार्य नहीं कर सकते। और हम इसको बहुत ही सक्रियता के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें आपके माध्यम से सबको बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने इस पोर्टल के माध्यम से शिकायतें भी लोगों से मांगी है कि अगर कहीं पर आपको बाल श्रम की शिकायत मिले। दूसरे, अब हर जिले के जिलाधिकारी को इसका जिम्मेदार ठहराया है कि अगर उसके जिले के अंदर बाल श्रम की शिकायत आ रही है तो वो तुरंत तत्काल कार्रवाई करें, और इसमें जो भी कार्रवाई आ रही है उस पर हम प्रभावी कदम उठा रहे हैं। और बीते 3 वर्षों में बाल श्रम में भारी रोकथाम नजर आ रही है और हम इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि वो जहाँ कहीं भी इसको महसूस करें, देखें, तो हमारे कार्यालय में या संबंधित जिले के जिलाधिकारी को इससे अवगत कराएं और हमें बताएंगे, तो हम इस पर तुरंत कार्रवाई भी करेंगे और उपयुक्त कदम भी उठाएंगे। और इन बच्चों के लिए, अगर कोई ऐसे बच्चे समझ में आते हैं, तो उनके लिए भविष्य की भी हम लोगों ने योजना बना रखी है। जैसे कि बात करते हैं बरेली क्षेत्र में कई फैक्ट्रियां, पीलीभीत क्षेत्र में कई फैक्ट्रियां, अगर इनमें बाल श्रम पाया जाता तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी जाएगी? बहुत ही तत्काल कार्रवाई है, सख्त कदम कर दिए हैं, जुर्माने भी बढ़ा दिए हैं और हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अभी हर जिले के अंदर जो हमारा मंत्रालय के दफ्तर हैं, दफ्तर सब जगह इस दिशा में काम कर रहे हैं, और हर आम व्यक्ति से भी हमने कहा है कहीं भी आपको नजर आए कि बाल श्रम काम हो रहा है, आप हमें शिकायत करेंगे तो हम तुरंत उस पर प्रभावी कदम उठाएंगे। जैसे कि युवाओं के लिए मोदी जी से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी,
और रोजगार मंत्रालय आपके पास है, तो युवाओं के लिए रोजगार के लिए क्या आगे की रणनीति रहेगी, क्या उनके लिए आप ध्यान करें। वैसे तो सारी योजनाएं नियमित चल रही हैं, पर एक सबसे बड़ी योजना जो है आप ध्यान करें कि जो जिस प्रकार से हमने लोगों को, नौजवानों को रोजगार करने के लिए 50,000 से लेकर 10,00,000 तक के ऋण बिना किसी जमानत या कोलैटरल के देने का जो फैसला लिया है, उसमें जितनी धनराशि हम लोगों ने हर वर्ष के लिए पिछले 3 वर्षों में प्रस्तावित की थी, प्रत्येक वर्ष में उससे ज़्यादा धनराशि हम लोग आवंटित कर रहे हैं और दे रहे हैं और लोगों ने लिए हैं। और इसमें 50,000 के ऋण लेने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और विशेष बात यह कि इसमें महिलाएँ और अनुसूचित जाति के लोग भी बहुत हैं। और इस हिसाब से एक विशेष बात यह है कि हमारा मंत्रालय जो है 10 और 20 लोग जिस यूनिट में काम करते हैं उन्हीं का ही रिकॉर्ड रखता है, पर देश के 80% वे लोग काम करते हैं जहां पर संख्या इससे कम है, इसलिए पूरा रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। पर अब एक हम इसमें परिवर्तन कर रहे हैं, एक तो अब ESI और प्रोविडेंट दोनों में बजाय 10 और 20 के एक संख्या हम बनाने जा रहे हैं कि 10 जिस यूनिट में काम करेंगे वो हमारे रिकॉर्ड में आएगा, और 10 से कम के लिए भी, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक जहाँ पर लोग काम करते हैं जो 80% संख्या है देश में, हम उसको एक व्यवस्थित करने की दिशा के अंदर काम कर रहे हैं, और आने वाले 1-3 महीने में हम इस दिशा में एक पोर्टल इस संदर्भ में जारी कर रहे हैं कि उसमें लोग संपर्क करें, बात करें, और एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर हम उनको देंगे कि वो अगर 1 महीना 2 महीना 3 महीना कहीं भी काम करते हैं, ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद फिर काम करते हैं, क्योंकि देश के अंदर नियमित श्रमिक 6 करोड़ हैं और असंगठित श्रमिक 40 करोड़ से ऊपर है। प्रधानमंत्री जी की रुचि ये है कि 40 करोड़ को कैसे एक सही दायरे में लेकर आया जाए, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा संतोष जी, आपके ऊपर एक आरोप बराबर लगता रहा है अटल सरकार में, जब आप पेट्रोलियम गैस मंत्री थे तो ये भी आप पे आरोप लगा था कि आपने अपने ही जात वालों के लिए जो है पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी आवंटित करी थी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक शिकायत मुझे लिखकर दीजिए कि इतने हमारे हमने अपने संबंधियों और रिश्तेदारों को दिए हैं, तो उसमें जो सजा होगी मुकदमे को तैयार। एक भी हमारा संबंधी ऐसा नहीं है जिसको मैंने गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप दिया हो। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे बहन जी चढ़ाए आते हैं संतोष जी।